पता है क्या वो फाइनल ऐसा था कि आरसीबी वाले फैंस बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे का गोल्डन पीरियड है yes. बट वार्नर भी एक मतलब वो वैसा प्लेयर भी नहीं आ सकता दोबारा फाइटर ही है। yes. छोड़ा yes. नहीं 200 प्लस आप लोग लो चेस भी करने गए yeah. क्या बैटिंग थी मगर नहीं था डेविड वार्नर ने भी काफी अच्छा पर उस मैच में उन्होंने आ, कीपर उन्होंने नहीं खिलाया था और आई थिंक कीपिंग में उनके 12 या 13 रन बाय के गए थे एक या दो कैच छूटे भी थे फाइनल में वो क्रुशियल टाइम वो क्रुशियल मोमेंट के अंदर वो कैचेस वो बाईस के रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो मैच एक या दो रन से जीता जाता है और शायद तीन चौके हमें मिले थे बाईस hmm. के और उसके अलावा कैचेस डेविड वार्नर का कॉट बीहैंड छूटा था तो आई थिंक uh, वो सारे के सारे जो चांसेस होते हैं अगर आपने वो चांसेस ले लिए तो आप गेम पे कंट्रोल कर सकते हो और वो चांसेस अगर चले गए तो सामने वाली टीम वाला गेम पे कंट्रोल ले लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से तो राइट right कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले भी बोला था कि राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीपर भी एक स्पेशलिस्ट जॉब है और कीपर को कीपर का महत्व जब भी आप जब आप समझेंगे जब वो इम्पोर्टेंट स्टेज पे वो इम्पोर्टेंट कैच वो कीपर पकड़ता है और गेम का गेम uh, का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड मैं ये बोलूँगा कि डेविड बॉर्नर ने वहाँ पर राइट कॉम्बिनेशन उनके पास भी ऑप्शन थे बट ही हैज़ गॉन विद स्पेशलिस्ट कीपर कि नहीं नमन Uh, आप ही कीपिंग करेंगे सात नंबर पे आप खेलेंगे हालांकि मैं सात नंबर पे खेल के खुश नहीं था मेरे को ओपन करना था क्योंकि अब वो और शिखर ओपन करते थे बट दैट इज हाउ आई टोल्ड इन इन यू नो प्रीवियसली दैट यू हैव टू प्ले फॉर द टीम सो दैट इज वॉट आई डिड आई प्लेड फॉर द टीम एंड वी वॉन टू थाउजेंड एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि टीम सिलेक्शन जी हाँ अब कुछ लोगों को चुप सकती है ये बात लेकिन मुझे लगता है आरसीबी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है टीम सिलेक्शन इवन व्हेन विराट वाज कैप्टन ऑफ इंडिया तब भी मुझे लगता है कुछ सिलेक्शंस में क्योंकि हमारी टीम 19 में भी आप देख लीजिए जब यू पास से बात हुई थी तो उन्होंने बोला यार इनके टॉप थ्री इनको इतने स्ट्रॉग लगते हैं इनको नंबर फोर नंबर फाइव चाहिए ही नहीं होता हाँ। चले गए वहाँ पे तो वहाँ पे वहीं पर फंस गए जब ऊपर के तीन गए यू थिंक दिस वॉज अ फ्लॉ इन विराट कैप्टनसी के इसलिए भी आर नहीं जीत पाई क्योंकि पूरी टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी सी मैं ऐसा किसी की टीम के लिए आई कैन नॉट कमेंट कि उनका टीम सिलेक्शन क्या था ये इनका टीम सिलेक्शन उन्हीं को समझना पड़ेगा कि टॉप हमेशा हेवी होते हैं नमन आज भी देख लोगे ना आप इनके टॉप थ्री आपको एक कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ता है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है कि आज अगर ये छह मैच में चले हैं तो आगे भी चलेंगे हुँ. तो वो राइट right कॉम्बिनेशन खिलाना जरूरी है और आपको वो समझना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होता है क्योंकि एक सात नंबर की भी उतनी वैल्यू होती है जो एक नंबर की होती है क्योंकि उसकी बैटिंग सिर्फ हो सकता है कि दो ही बार आए सत्रह मैचेस में लेकिन वो सत्रह मैच में अगर दो बार वो अगर अपना जॉब को फुलफिल करता है जिता देगा तो उसका वो रिप्लेसमेंट नहीं बनता है सेम हमारे साथ हुआ कि उन्होंने सात नंबर पे मुझे रखा क्योंकि सात नंबर पे उन्हें पता था कि वो बैटिंग करते हैं लेकिन लेकिन उनकी कीपिंग की वैल्यू ज्यादा है वो जो इंपॉर्टेंट कैच और वो जो इंपॉर्टेंट रन रोकेंगे उसका वैल्यू ज़्यादा है तो उन्होंने इसलिए टॉम मूडी ने और डेविड वार्नर ने वहां पे मुझे रखा टीम में और कॉम्बिनेशन उन्होंने हमेशा यही रखा कि नहीं कॉम्बिनेशन अपन कीपर के साथ कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे या फास्ट बॉलर या किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ अपन किसी को ऑलराउंडर नहीं खिलाएंगे तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन पे ही खेलना पड़ेगा आपको मैक्सिमम टाइम जी जी, जी.